नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि इस रेनी सीजन में आप अपने बहुत सारे न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। वो सारे प्लांट्स जो आप आज इजीली ग्रो कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने कौन कौन से तैयार किए हैं। मैं कभी भी अपने वीडियोज में कोई भी फेक चीज़ नहीं बोलता हूँ, जो चीज़ बोलनी होती है वो सामने ही बोलता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पोर्चुल्का लगाया हुआ है। मुझको एक प्योर रेड कलर वाला पोर्चुल्का मिला था, जिसकी छोटी सी कटिंग मुझे एक दोस्त ने दिया था। तो ये देखिए, वो उस कटिंग को ला करके देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी कटिंग थी, तो जिसको मैंने ला के लगा दिया है और कितनी लंबी हो गई। हालाँकि मुझको लंबा ही करना है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये अलमंडा की देखिए छोटी छोटी सी नीचे से सकर्स निकली थी, तो उसको मैं एक दोस्त के यहाँ सर लेकर के आया था। तो उसने अपने गार्डन में सकर्स निकालना था, उसके यहाँ एक बेल टाइप का बहुत बड़ा हुआ था, तो उसने सकर्स निकाला, तो मैं उसके यहाँ से सकर्स लेकर के, आप देख सकते हो कि एक ये सकर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये कुछ थे तो मुझे लाने में ये सारे टूट गए थे। एक ये देखिए बड़ी सी हो गई थी, तो ये बड़ी सी भी ले आया। हालांकि जो ये बड़ी से होते हैं, इनका लगने का चांसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ये अच्छे से नहीं चल पाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अमरूद, ये थाई सुपर 7 वेराइटी है, जो कि जिसे केजी वैरायटी बोलते हैं। एक फ्रूट इसका तकरीबन 700 से 800 ग्राम तक का हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक कुछ और अलमंडा लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, ये सारे डिफरेंट वैरायटी के हिबिस्कस हैं। और देखिए इन सभी की कटिंग चल गई है, हालांकि एक कटिंग जो हमने देख रहे हैं ये शायद सड़ गई है। तो ये देखिए, ये एक कटिंग हमारी सड़ गई है, ये देखिए पूरे नीचे से रूट रॉट हो गई है। मे बी ओवरवाटरिंग हो सकता है इसका कारण। तो हमें आगे के इनमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। देखिए ये सारे हिबिस्कस हैं, ये हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, डिफरेंट वैरायटीज के हिबिस्कस हैं। और मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि कभी भी आप अपने कटिंग्स में ओवर वाटरिंग मत करिए, अंडर वाटरिंग भी मत करिए, एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, जिसके लिए आप हमेशा कोकोपीट या फिर प्लेन सॉइल, कभी भी कंपोस्ट मत यूज करिए। कोई भी कटिंग ग्रो करिए, आप सैंड में यूज करिए, सॉइल में ग्रो करिए। और यहाँ पर देखिए मैंने सैंड प्लस सॉइल लिया है, देखिए काफ़ी ये मोटी वाली सैंड है, सैंड और सॉइल लिया है। यहाँ पर भी देखिए ये एक पॉट मेरा रेडी है, तो इसमें भी देखिए सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारे हाइबिस्कस देखिए लगाए हुए हैं, और इनको मैंने अभी हाल फिलहाल में ही लगाया हुआ है। ये देखिए मेरे काफ़ी पहले के लगाए हुए हैं, तो इन सब में देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए एक ये इसमें ग्राफ्टिंग भी थी, तो इसकी ग्राफ्टिंग अब ख़राब होने वाली है। ग्राफ्टिंग पहले से थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी कटिंग कर दी। एक मेरा ये हिबिस्कस है जो कि मेरा कटिंग से ही तैयार हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये कुछ हिबिस्कस हैं जो मैंने परचेज किया था, तो इनको इनमें भी देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इनमें एक भी लीव्स नहीं थी जब मैंने परचेज किया था, एक भी लीव्स नहीं थी। अब देखिए इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन 15 से 20 दिन के हैं। एक ये देखिए मैंने ये देखिए अभी कटिंग ही लगाई है, रोज़ की कटिंग है, और ये इतने बड़ा मुझे ऐसे ही उसने कट करके दे दिया था फ्रेंड ने, तो मैंने एज इट इज़ लगा दिया है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा कटिंग है और मैंने एज इट इज़ लगा दिया है। इसके अलावा जो आप अगला आप कटिंग से इस टाइम पे लगा सकते हो दोस्तों, तो वो है आप ये आपका अनार का पौधा। तो हालांकि ये मेरा कटिंग से नहीं है और ना ही मैंने अभी इसकी कटिंग करी है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स थे और फ्रूट्स हमने तकरीबन 5 से 6 दिन पहले बंदरों ने आकर के इसके पूरे फ्रूट्स ख़त्म कर दिए थे। यहाँ पर देखिए ये एक हमारा हिबिस्कस का पौधा है, जिसका मुझे कलर नहीं मालूम है। उसने बोला था कि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस गिफ्ट है तुम्हारे लिए स्पेशली, तो मैं उसे लेकर के आया। और देखिए इसमें देखिए मिली बग्स, थोड़ी सी कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसमें नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हम इसको एज इट इज बस मसल देते हैं। और इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए मुझे माइट्स का प्रकोप लग रहा है, देखिए माइट्स का प्रकोप लग रहा है। यहाँ पर देखिए आप देखिए चांदनी की कुछ कटिंग्स लगा सकते हैं। हम देखिए हमारे पास कितना बड़ा चांदनी का पौधा है, देखिए कितना बड़ा चांदनी का पौधा है, तकरीबन 6 फुट बड़ा चांदनी का पौधा है। और देखिए आप उसको भी ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मैरीगोल्ड्स हैं, मैरीगोल्ड्स की मैं कटिंग लेकर के आया था, तकरीबन 15 से 20 कटिंग लेकर के आया था। और देखिए मेरी दो कटिंग यहाँ पर लगी हैं और बाकी कटिंग्स देखिए मेरी बैक साइड में लगी है, एक ये लगी है और ये देखिए
ये भी देखिए कटिंग ही थी, इतनी बड़ी कटिंग थी तो मैं इसको कटिंग भी लगा दिया। ये देखिए ये सारी कटिंग्स थी, ये देखिए आप दिख रहा होगा कि ये कटिंग्स थी। तो इनमें से देखिए कैसी कैसी बढ़िया अच्छी तरीके की बढ़िया ग्रोथ हुई। अब ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है, आप नीचे से देखेंगे तो ये देखिए कैसी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी डंडी थी। उसने बिल्कुल क्लीन किया था, उसने अपने मैरीगोल्ड को एज अ टॉपेरी ग्रो करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर देखिए हमने कुछ वाइट कचनार लगाए हैं, सफ़ेद वाले कचनार। ये देखिए जो गोल पत्ती आप देख रहे हैं ये सफ़ेद कचनार है जिनकी कटिंग लगाई थी। ये एक देखिए वेरीगेटेड हिबिस्कस है, ये देखिए वेरीगेटेड हिबिस्कस है जिसका मेरे पास प्लांट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। तो ये देखिए, और इसकी देखिए मैंने कटिंग देखी इस छोटे से पॉलीबैग में ही लगा दिया है। देखिए इसकी सॉयल देखिए बिल्कुल आपको ड्राई ड्राई सी लग रही होगी, इसकी लीव्स भी आपको झुकी झुकी सी लग रही हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर अभी बारिश होने वाली है, इस वजह से मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की है क्योंकि हो सकता है कि इसमें दिक्कत हो जाए बाद में। तो आप अगर देखेंगे तो मैंने ये देखिए मैंने यहाँ पर देखिए दो गार्डेनिया की कटिंग्स लगाई हैं, कुछ अलमंडा की कटिंग्स लगाई हैं जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कि कंपोस्ट में डायरेक्ट लगाने के लिए ट्राई किया है। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरा ये आइडिया सही नहीं है, ये देखिए मुझे मालूम है कि मेरा आइडिया सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगला आपका देखिए ये अमरूद, मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया है, काफ़ी अच्छे से भर के फर्टिलाइज़र दिया है। और देखिए आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि अच्छी खासी टॉपेरी बन गई है, मैंने इसकी प्रूनिंग भी की हुई है। हालांकि इसमें देखिए अब इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई, ये देखिए दोस्तों ये बर्ड्स आ रही हैं। और आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये बर्ड्स आ रही हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर इसमें आप फर्टिलाइज़र अच्छे से देंगे तो इसमें आपकी बहुत सारी बर्ड्स आती रहेंगी। और ये सारे हैवी फीडर होते हैं, देखिए अब छोटे छोटे से गमलों में लगे हैं, 12-12 इंच के गमलों में लगे हैं, इसमें इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इनको फैलने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा जगह चाहिए और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। ग्राउंड में न्यूट्रिशन भरपूर होता है तो वहाँ से ऑटोमेटिक लेते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। दूसरा है देखिए हमारा अंगूर का पौधा, अंगूर के पौधे में हमने एयर लेयरिंग करी थी, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एयर लेयरिंग से पौधे तैयार किए हैं। और इसमें भी देखिए बहुत सारी देखिए फिर से इसमें साइड ब्रांचेज निकल रही हैं जिनकी मुझे प्रूनिंग करना है, तो आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। ये हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस मेरा ख़राब हो रहा है, इसकी भी मुझे प्रूनिंग करनी है। और ये देखिए ये जो आपको बैगन दिख रहा है ये भी दोस्तों मैंने कटिंग से ही लगाया था, आप देख सकते हो कि ये कटिंग से ही लगे थे। उसमें देखिए मैंने केले के छिलके सारे डाल दिए हैं, केले के छिलके डालने से क्या होता है कि इसमें पोटास इसमें पड़ गया और पोटास इसमें अच्छी खासे मात्रा में ऑर्गेनिकली इसको मिलता रहेगा जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और आप देख सकते हो कि इसमें जो फ्रूटिंग होती है, आप देखिए ये देखिए ये तकरीबन हमारा 2 महीने का बड़ा पौधा है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मुझे चींटियों का प्रकोप लग रहा है तो जो हमें उसको केयर करनी पड़ेगी। अगला दोस्तों हमारा अपराजिता, अपराजिता इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा होगा तो आप उसकी कटिंग्स लगा सकते हो। हालांकि अभी मैं इसकी कोई कटिंग्स नहीं लगा रहा हूँ, मेन रीज़न इज मैंने इसमें बहुत सारी क्रॉस पॉलिनेशन करा है। और मुझे एक दोस्त ने बताया कि रेन लिली से अगर इसको हम क्रॉस हाइब्रिड करते मतलब इसको हम क्रॉस करते हैं तो शायद इसमें कलर चढ़ सकता है, शायद कलर चढ़ सकता है। मैं ये नहीं बोलता क्योंकि इसकी फैमिली अलग है, मैं इस बात पर क्योंकि मैंने उसमें कनेर में किया है, बहुत ज़्यादा किया है क्रॉस पॉलिनेशन करने की कोशिश करी है और कनेर में अब तक मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ। हालांकि इस साल भी मैंने किया है जो मुझे एक तरीका बताया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये देखिए ये फ्लावर्स ना गिरने का मतलब है कि इसमें सीड्स बनेगा। ये देखिए इन दो में येलो कलर वाले का है और एक यहाँ पर आपको दो फ्लावर दिखेंगे, एक फ्लावर आपको ये दिख रहा है, एक फ्लावर ये दिख रहा है। इसमें मैंने पिंक वैरायटी का जो है क्रॉस पॉलिनेशन किया है और वाइट में तो आता ही है, प्योर वाइट आता ही है। तो देखिए ये हमारे पास लाइट ब्लू, एक सेकेंड, ये देखिए ये लाइट ब्लू कलर में है, ये देखिए लाइट ब्लू कलर में है, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है सर, ये लाइट ब्लू कलर में है। और ये देखिए ये प्योर वाइट है, ये प्योर वाइट है, बहुत ज़्यादा साइन हो रहा है, मे बी बहुत ज़्यादा साइन हो रहा है। ये देखिए ये वाइट कलर में है और इसमें आज पिंक वाला शायद नहीं खिला है। अगला है दोस्तों हमारा हिबिस्कस,
हाइबिस्कस को आप इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं और आप पीछे देख सकते हो कि मैंने मेरा एक बैगन के देखिए कटिंग्स लगी हुई हैं और इनमें भी फ्लावरिंग्स आने लगी है। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग्स आने लगी हैं, इतनी जल्दी फ्लावरिंग्स आने लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा है बारबाडोस चेरी के, मैंने दो पौधे तैयार कर लिए हैं। एक ये मेरा पुराना पौधा था, उसी से मैंने इसको भी तैयार किया है। सेम टाइम पे मैंने कटिंग से लगाया था और दो के दोनों पौधे मेरे चल गए हैं। और आप देख सकते हो कि जो इसकी मैंने कटिंग से लगाई थी, जस्ट इतनी बड़ी कटिंग से लगाई थी। ये देखिए, इतना बड़ा पौधा होने के बाद देखिए इसकी जो है कटिंग कितनी पतली है अभी, तो आप ये बात अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कैसी जो है आपको कटिंग्स लेनी है। कटिंग्स हर वेराइटी की चल जाती हैं इस टाइम पर, हर वेराइटी की इस टाइम चल जाती हैं। अगला है देखिए हमारा मिर्च का पौधा। ये देखिए मिर्च का पौधा है, ये देखिए मिर्च के पौधे में देखिए कितनी सारी मिर्चाई हैं, ये देखिए। और मिर्च के पौधे में दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत है, इसको रेगुलर पेस्टिसाइड चाहिए। इसमें माइट्स का अटैक इतना ज़्यादा होता है कि इसमें फ्रूट्स नहीं बन पाते, इसलिए मैंने इसको कटिंग से लगाया है इस बार। और ये ऐसी वेराइटी है जो साल में 365 दिन आपको जो है फ्रूटिंग देती है, और साल में 4 बार आप इसमें हार्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छी यील्डिंग वेराइटी है ये। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सीड्स रखूँगा। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कड़वी वाली नहीं, आप देख सकते हो, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा कड़वी वाली वेराइटी नहीं है, कि एक होती है जो बहुत ज़्यादा कड़वी वेराइटी होती है। यहाँ पर देखिए हमारे कुछ सारे बीन्स लगे हैं, ये देखिए एक ये बीन्स लगी हुई है, कुछ बीन्स यहाँ लगी हुई हैं, कुछ बीन्स ऊपर लगी हुई हैं और कुछ बहुत ऊपर लगी हुई हैं। इसमें हमारे माहू का प्रकोप हो गया है, आप इनकी केयर कीजिए। तो अगला देखिए हमारा है रोजेज। रोजेज में दोस्तों मैंने एयर लेयरिंग किया था और उस एयर लेयरिंग का रिजल्ट्स मैं आपके साथ शो करना चाह रहा था। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एयर लेयरिंग का रिजल्ट्स कैसा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसमें वाइट रूट्स कितनी सारी आई हैं, ये देखिए दोस्तों कितनी सारी वाइट रूट्स आ गई, ये देखिए बहुत सारी वाइट रूट्स आ गई। और सबसे बढ़िया एयर लेयरिंग मेरी यही ग्रो हुई है, दो एयर लेयरिंग मेरी और भी हैं, ये देखिए। और नीचे देखिए कुछ हाइबिस्कस की कटिंग्स लगी हुई हैं, जो मेरा एक फेवरेट हाइबिस्कस था वो हाइबिस्कस नहीं लगा है, बाकी दूसरे सारे हाइबिस्कस लग गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जिस हाइबिस्कस को मैंने इतना चाहा इसे मैं लगाऊँगा, तो वो हाइबिस्कस केवल नहीं लगा है। अगला है दोस्तों हमारा ये गार्डेनिया का पौधा। गार्डेनिया का पौधा दोस्तों मैंने कटिंग से ही लगाया है, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये मेरा दोस्तों मैंने मई के महीने में लगाया था, ये देखिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी इसकी कटिंग थी। और देखिए आप कटिंग से इसमें देखिए नीचे से कितने सारे शूट्स निकल रहे हैं, और ऊपर से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए काफ़ी अच्छे देखिए शूट्स हैं निकले हैं, देखिए न्यू शूट्स निकल रहे हैं। आप देखिए इसमें हल्का सा लाइट ग्रीन निकल रहा है, मतलब कि इसमें आपको कुछ नए ज़रूरत है। और देखिए हमारे हमारी अडेनियम्स की कटिंग में देखिए फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आपके साथ अगर और प्लांट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जिनकी देखिए मैं कटिंग्स लेकर के आया हूँ, आप इनकी कटिंग्स इस टाइम पे लगा सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स की कटिंग्स है, आप देखिए कितनी सारी कटिंग्स हैं, ये देखिए कितनी सारी कटिंग्स हैं। और इनको देखिए मैंने वाटर में डिप करके रखा है और फुल डे सनलाइट में मैंने रखा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि फुल डे सनलाइट में मत रखो, ख़राब हो जाएंगे, मैंने फुल डे सनलाइट नहीं रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मनी प्लांट है, आप मनी प्लांट भी इस टाइम पे अच्छे से ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है मनी प्लांट। अगला आता है दोस्तों आपका पेंसिल कैक्टस। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईजिली ग्रो होने वाला पौधा है, आपको कहीं से भी अगर छोटा सा अगर इसका प्लांट मिल जाता है, कटिंग भी छोटी सी अगर मिल जाती है तो आप लगा लीजिए। अगर आप चित्रकूट से हैं, अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इसमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं चित्रकूट में आपको या आप अगर मेरे यहाँ पर आ जाते हैं तो मैं आपको इसकी कटिंग्स दे सकता हूँ। ये देखिए मैरीगोल्ड्स की कुछ सारी कटिंग्स हैं, ये देखिए ये सारी कटिंग्स जो मैंने सैंड में लगाया हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो गई हैं। यहाँ पर भी देखिए मनी प्लांट है, वही मनी प्लांट है, उसी की ही कटिंग्स हैं। और ये देखिए ये मेरा मैक्सिकन पेटोनिया, तो इसमें भी देखिए काफ़ी सारे, ये मेरा बहुत पुराना हो गया, तकरीबन 2 से 3 साल पुराना हो गया लगाया हुआ। एक कटिंग मैंने लगाया था मुरैया की, मुरैया में अभी तक मुझे फ्लावरिंग नहीं मिली है,
और अगला है दोस्तों हमारा देखिए चंपा का पौधा। तो चंपा का पौधा भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। देखिए एक दो और एक बैक साइड में रखा हुआ, तीन कटिंग्स मैंने लगाई हैं हुई हैं, और यहाँ पर भी देखिए बैक साइड में मेरी बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई हैं। तो दोस्तों अब इस टाइम पे बारिश आ रही है, तो हम चलते हैं और आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।